तो यार गूगल ने रिसेंटली एक पेटेंट फाइल किया और उस पेटेंट में उन्होंने बताया है कि वो लोग एक सेल्फी ड्रोन कैमरा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उस वीवो के फाइल के पेटेंट वाले प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ये सेल्फी ड्रोन कैमरा कैसा दिखता है और ये क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस वीवो ने जो पेटेंट फाइल किया है इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो वीवो ने एक ऐसा पेटेंट फाइल किया या फिर एक ऐसा चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है या फिर बोल सकते हो कि ऐसा मोबाइल फ़ोन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिसमें पहले से एक छोटा सा ड्रोन कैमरा होगा, मतलब कि सेल्फी ड्रोन कैमरा पर्टिकुलरली आप लोग उसे बोल सकते हो कि उसमें पहले से ही एक सेल्फी ड्रोन कैमरा होगा जो आपके फ़ोन, अगर जब आपको सेल्फी लेनी होगी तो सिंपली हम लोग सेल्फी ले सकते हैं सिर्फ अपने हाथ का यूज़ करके, तो इतने दूर का व्यू आता है। या फिर बहुत लोग सेल्फी स्टिक का यूज़ करते हैं तो वो मैक्सिमम 1 से 1.5 मीटर दूर जा पाता है और 2 मीटर कभी कभी चला जाता है, तो इतना ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक बड़े व्यू में पूरे ग्रुप के साथ सेल्फी लिया जाए तो, और इस तरह से अगर आप सेल्फी लेने की कोशिश करोगे तो अभी तो फिलहाल इस तरह से बहुत सारे, मान लो कि 100 बंदों के ग्रुप है और आप उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हो तो वो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। आपको कोई अलग से पर्सन रखना होगा जो आपकी फ़ोटोज़ खींचेगा, तभी जाकर आप सेल्फी नहीं ले सकते उनके साथ। तो वीवो ने इसे समझते हुए एक ऐसे सेल्फी ड्रोन कैमरा को डेवलप करने का, अभी वो ये डेवलपिंग फेज में, अभी उन्होंने बनाया भी नहीं है, आप लोग इसे बोल सकते हो ये एक डेवलपिंग फेज में, अभी उन्होंने बनाना ही स्टार्ट किया लेकिन उन्होंने एक पेटेंट फाइल कर दिया हुआ है। तो उन्होंने इस सेल्फी ड्रोन कैमरा का पेटेंट फाइल किया है और इस पेटेंट में उन्होंने बताया है कि वो एक ऐसे ड्रोन कैमरा पे काम करे जो आपके फ़ोन में प्री बिल्ट आएगा, मतलब कि आप अगर वीवो का कोई फ़ोन लोगे जिसमें वो कैमरा आता है तो वो सिंपली आपके फ़ोन के साथ ही आएगा और जब आपको सेल्फी लेनी होगी तो आपके फ़ोन से वो ड्रोन कैमरा उड़ करके बाहर निकलेगा और उसके बाद आप सेल्फी वगैरह ले सकते होगे। तो इससे आप ज़्यादा फील्ड कवर कर पाओगे, ज़्यादा व्यूइंग एंगल आप देख पाओगे और ज़्यादा मतलब सराउंडिंग्स को कवर कर पाओगे क्योंकि आपका ड्रोन हवा में उड़ते रहेगा। ऐसा अभी उन्होंने सिर्फ क्लेम किया, पेटेंट फाइल किया, अभी उन्होंने बनाया नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ उन्होंने अभी बनाया नहीं है, आपको इसका एक भी डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक पेटेंट फाइल किया है तो इसके ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपके फ़ोन में से वो जो छोटा सा ड्रोन कैमरा होगा, अब वो पता नहीं कितना बड़ा होगा या फिर क्योंकि फ़ोन ही हम लोग के हाथ के साइज़ का होता है तो उसमें उन्होंने एक ड्रोन डालना है और उस ड्रोन के साथ उस ड्रोन में कैमरा भी होना चाहिए और काफ़ी सारे अलग अलग सेंसर्स लगेंगे जो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो आपके फ़ोन से वो ड्रोन कैमरा जब आपको सेल्फी लेनी होगी तो आपके फ़ोन से वो ड्रोन कैमरा डिटैच हो जाएगा और वो उड़ करके ऊपर चला जाएगा और आप अपने शायद हाथ के जेस्चर से या फिर आपके फ़ोन के जेस्चर से या फिर आपके फ़ोन के कंट्रोल से ही सेल्फी वगैरह ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से वीवो का ये जो सेल्फी ड्रोन कैमरा ये काम करता है। अब देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको मार्केट में, मैं आपको बीच बीच में तो इमेजेस शो कर ही रहा हूँ तो आप लोग देखते रहना, आपको मार्केट में ऐसे ड्रोन कैमरास जो आपके हाथ के साइज़ होते हैं वो, जो आपके हाथ के साइज़ के होते हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे और आप उनसे भी सेल्फी ले सकते हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह कि वो आपके हाथ के साइज़ का होगा और वीवो जो बना रहा है, वीवो जिस उसे जिस फ़ोन के साथ इंटीग्रेट कर रहा है या फिर उसके फ़ोन के साथ बना रहा है तो वो काफ़ी छोटा होने वाला होगा या फिर इतना बड़ा सा हो सकता है या फिर इतना बड़ा सा हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा होगा, लेकिन एग्जैक्टली आपके फ़ोन से तो बड़ा नहीं होगा। वो उन्होंने बोला है कि आपके फ़ोन में वो रहेगा और जब आपको सेल्फी लेनी होगी तो आपके फ़ोन से वो डिटैच होकर के उड़ के बाहर निकलेगा और उसके बाद आप सेल्फी लोगे। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने वाला है ये वीवो अगर इसे बनाना चाहेगा वो, और वैसे ये अभी डेवलपिंग फेज में, और बोल सकते कि वीवो एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोच रहा है एक अलग तरह से सेल्फी, अगर ये आ जाता है तो सेल्फी में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, मतलब सेल्फी लेने के तरीके ही चेंज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से वीवो का ये वाला जो, तो बीच में यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि जो वीवो का कुछ इस तरह से ये वाला जो सेल्फी ड्रोन कैमरा कुछ इस तरह से काम करता है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि इसमें कितने कैमरास को यूज़ करेगा वीवो, तो यहाँ पर उसने मेंशन किया कि वो 2 कैमरास को यूज़ करेगा और 3 IR सेंसर्स को यूज़ करने वाला है। वो IR सेंसर वहाँ पर इसलिए होंगे ताकि वो अपने सराउंडिंग्स की जानकारी ले सके और डिटेक्ट कर सके कि वो किस जगह पे है, और भी बहुत सारे स्टेबिलिटी वाले सेंसर्स होंगे जैसे जायरोस्कोपिक सेंसर्स हो गए और बहुत से सेंसर्स होंगे जो वीवो यहाँ पर यूज़ कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि मान लो कि ये आपके फ़ोन में होगा, ठीक है, और ये आपके फ़ोन से डिटैच होकर के आपके हवा में उड़ेगा और उसके बाद आपकी सेल्फी लेगा, तो ठीक है यहाँ तक तो मुझे समझ में आता है। लेकिन
पहला बात कि ये कितना जल्दी होगा, जैसे कि हम अपने फ़ोन में क्या करते हैं, कैमरा ऐप ओपन करते हैं, सेल्फी वाले कैमरा को ऑन करते हैं और क्लिक कर लेते सेल्फी। लेकिन इस ड्रोन के साथ तो ऐसा नहीं ना होगा यार। यहाँ पहले तो ये ड्रोन आपके फ़ोन से उड़ेगा, उसके बाद ये हवा में जाएगा, उसके बाद आपको आपके फेस को रिकग्नाइज करेगा, आपको रिकग्नाइज करेगा, और अगर आपके साथ और भी पर्सन है तो उनके फेस को भी रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद ये खुद को स्टेबलाइज करेगा, और उसके बाद ये सेल्फी लेगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि ये जो वीवो का ये जो आइडिया है, देखो ये जो सेल्फी वाले ड्रोन कैमरास होते हैं ऐसे नहीं है कि नए हैं, ये पहले भी आते हैं। मैं आपको इमेजेस वगैरह शो कर दे रहा ना, एक यहाँ पर इस ब्रांड का यहाँ पर देखना, आपको मैं इमेज शो करूँगा कि इस ब्रांड का भी एक एयर सेल्फी कैमरा आता है, और एयर करके कुछ ब्रांड है वैसे, और यहाँ पर उसका साइज़ एक आपके पाम जितना साइज होगा उसका, आपके हाथ जितना साइज हो सकता है उसका, तो वो ठीक है, ये जेन्युइन है, और आप इससे भी अपने, और देखना इसमें भी कैमराज है, छोटा सा होता है, और आप इससे भी सेल्फी वगैरह ले सकते हो। लेकिन वीवो चाहता है कि वो इसी चीज़ को फ़ोन में इंटीग्रेटेड दे, मतलब कि वो काफ़ी मेहनत करना चाहता है, और देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात ये है कि वीवो अगर इसे बनाएगा तो काफ़ी छोटा बनाएगा और काफ़ी लाइट वेट बनाएगा, जिसके कारण इसके भुलाने के चांसेस और गुम हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मान लो थोड़ा सा भी हवा चला तो ये भाई ये खुद को कैसे स्टेबलाइज करेगा, अगर हल्का सा भी हवा चल रहा होगा उस जगह पे जहाँ पे आप सेल्फी लेना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपकी सेल्फी ब्लर हो जाएगी या फिर आपकी सेल्फी सही से नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि वीवो, अब देखते हैं कि वीवो कितने हद तक इंजीनियरिंग इसमें डाल सकता है और कितनी मेहनत करके इसे स्टेबलाइज रख पाता है या फिर क्या करता है, लेकिन हाँ उसने एक पेटेंट तो फाइल किया है। अब लैब में तो मैंने बोला कि सारे आइडियाज़ चल जाते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत कम ही आइडियाज़ है जो चल पाते हैं, बहुत कम ही आइडियाज़ है जो चल पाते हैं। तो ये अभी तो वैसे फ़िलहाल ये लैब में भी नहीं है, अभी तो आप सिर्फ इसके कुछ लीक सुनोगे और पेटेंट वगैरह देखोगे वीवो का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।